इतिहास के अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका की ओर भारत ने फिर एक बार मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसके कारण उसके यहाँ बिजली का संकट तक पैदा हो गया है। इसी बीच श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने जानकारी दी है कि भारत ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए $50 करोड़ देने का प्रस्ताव दिया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने ट्वीट किया है, एक दोस्त जिसने फिर से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को ऊर्जा देते हुए भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के लिए $50 करोड़ के कर्ज का प्रस्ताव दिया है। श्रीलंका के इस मुश्किल वक्त में भारत कई स्तरों पर मदद कर रहा है। पिछले हफ्ते 13 जनवरी को श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को $90 करोड़ की मदद की घोषणा की थी, लेकिन इतने से काम नहीं चला। ऐसे में भारत ने इस हफ्ते मंगलवार को $50 करोड़ की एक और मदद दी, जिससे श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सके।